हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज का जो टॉपिक है वह है फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कौन कौन से मेन फंक्शंस होते हैं, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से रेलिवेंट फंक्शंस हैं? फर्स्ट वन है प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्लांट इंजीनियरिंग, मेथड एनालिसिस, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है, और कुछ अदर फंक्शंस। सो नाउ फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग डील विद द प्रिपरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन प्रोग्राम्स, ठीक है। तो जब भी कोई भी बायर है, किसी भी बायर की तरफ से अगर हमें ऑर्डर मिला है, तो हम जो भी हमें एक सर्टेन टाइम पीरियड मिला है उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। प्लानिंग में ये डिसाइड करते हैं कि भाई प्रोडक्शन किस तरीके से करना है, टारगेट्स किस तरीके से सेट करने हैं, पर डे का कितना टारगेट होगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी प्लानिंग होती है जो कि की जाती है बाय द प्रोडक्शन मैनेजर, जो कि एज अ लॉन्ग एज शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन प्रोग्राम्स के हिसाब से कंटिन्यू करते हैं। सो इट कंप्राइज राउटिंग, शेड्यूलिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑर्डर्स। राउटिंग ले डाउन द नेसेसरी वर्क ऑपरेशंस एंड देयर सिक्वेंस, ठीक है, यानी कि कौन कौन से नेसेसरी वर्क ऑपरेशंस होंगे और उनका क्या सिक्वेंस होगा। जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट है जो कि सेमी फिनिश्ड है, अब उसको क्या करना है, फिनिश्ड करना है। तो फिनिश्ड करने के लिए वो कौन कौन से वर्क प्रोसेस से गुजरता हुआ फाइनली फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, राउटिंग। राउटिंग ले डाउन द नेसेसरी वर्क ऑपरेशंस एंड देयर सीक्वेंस ऑल्सो, कि भी पहले स्टेप पे क्या करना है, दूसरे पे क्या करना है, तीसरे पे क्या करना है। इसी तरीके से शेड्यूलिंग स्पेसिफाई द स्टार्टिंग एंड द कंप्लीशन ऑफ टाइम ऑफ वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज, कौन सा एक्टिविटी कितने टाइम में कंप्लीट होनी है। अथॉरिटीज प्रोसीड विद द प्रोडक्शन प्रोग्राम इज कॉल्ड वर्क ऑर्डर, ओके। दीज ऑर्डर सेट द ऑपरेशन गोइंग इन वेरियस लोकेशन। Finally, production planning function include preparation of demand schedule for various kind of materials, ठीक है, यानी कि जो भी materials हैं अलग अलग तरीके, उनमें किसकी demand है, ठीक है। कोई भी एक company है, कोई भी एक factory है, उसमें glass के kitchen है, बहुत सारे accessories तैयार की जाती हैं। अब हमें ये देखना होगा कि demand किस type के product की है, ठीक है, और उसी के हिसाब से हम डिमांड शेड्यूल को फ्रेम करेंगे। और साथ के साथ मैन पावर की प्लानिंग भी करते हुए चलना है, कितना बड़ा ऑर्डर है और उस हिसाब से कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर कुछ स्पेशलाइज क्वालिटेटिव या कुछ स्पेशल क्वालिटीज गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, स्किल्ड लेबर कितनी चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे हम एज अ प्लानिंग डिस्कस कर रहे हैं। और प्रोडक्शन फैसिलिटीज, सेकेंड वन है सेकेंड वन इज प्रोडक्शन कंट्रोल। आफ्टर प्लानिंग द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द प्रोडक्शन कंट्रोल। साथ के साथ हमें ये भी इंश्योर करके चलना है, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर इज टू कंट्रोल द प्रोडक्शन बाय टेकिंग स्टेप टू यूटिलाइज द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो भी हमारे पास इनपुट्स हैं उनको किस तरीके से हमें यूज करना है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टर्म इन द प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है उसको इफेक्टिव यूटिलाइज करना है, जो कि आपकी कंट्रोलिंग का पार्ट है। स्टेप टू यूटिलाइज द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एफिशियंट मैनर सो दैट गुड्स आर प्रोड्यूस एट अ लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, ताकि कम से कम कॉस्ट पे हम क्वालिटेटिव गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल कोट किया था कि भाई कोई नया ऑर्डर आया है, तो या तो आप अपनी कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए जो भी लेबर आपके पास है उसी को यूज करोगे, या फिर उनको आप सर्टेन ट्रेनिंग देके उनके स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग भी की जाती है, जो कि इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। थर्ड वन इज क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन मैनेजर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग अ स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। जो क्वालिटी
प्रोडक्ट बायर ने ऑर्डर करी है सेम उसी क्वालिटी पे हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने होते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑल्सो अ वेरी विटल और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, बिकॉज अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ तो जो भी हम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो फेल हो सकते हैं, ठीक है। टेस्टिंग में उनको फेल किया जा सकता है, इसके लिए क्वालिटी पे भी प्रॉपर ध्यान दिया जाता है और क्वालिटी को प्रॉपरली मेंटेन और कंट्रोल किया जाता है बाय वेरियस टेक्निक्स यूटिलाइजिंग ऑफ वेरियस टेक्निक्स। मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ डिफेक्टिव वर्क, द डिफेक्टिव वर्क शुड बी सॉर्टेड बाय एंड सोल्ड सेपरेटली, ठीक है। उसके बाद थर्ड फोर्थ वन फंक्शन है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, जो कि है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड्स, यानी कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम अपने प्रोडक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं, एंड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज का कौन क्या क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिजाइनिंग ऑफ टूल्स, फिक्सर्स, गॉज, अदर एसेसरी रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन। तो कौन किस ऑपरेशन पे किस टाइप की एसेसरी रिक्वायर्ड है, ये भी प्रॉपरली इसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, जो कि पार्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। सो इट ऑल्सो डिटरमाइन स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडीज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी टाइम पीरियड है उसके हिसाब से इन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे सपोज कभी हमारे पास टाइम नहीं है लेकिन हमें ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो कहीं ना कहीं हम प्रोडक्शन मेथड को चेंज करके और जो भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फैक्टर्स हैं इनको प्रॉपरली यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन किसी भी फैक्ट्री के प्रोडक्शन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट है परचेजिंग। परचेजिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, बिकॉज जो रॉ मटेरियल है, अगर रॉ मटेरियल से स्टार्टिंग की जाती है, प्रोडक्शन मैनेजर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द परचेजिंग क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल फॉर द प्रोड्यूसिंग क्वालिटेटिव गुड्स। परचेजिंग इज पार्शियली अ प्रोडक्शन फंक्शन, इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द अराइविंग एट मेक बाय डिसीजन, यानी कि कहाँ से कितना रॉ मटेरियल डिसीजन करना है, एज वेल एज परचेजिंग ऑल्सो इंक्लूड वेंडर्स, सप्लायर्स और उनके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कौन कौन से हमारे वेंडर होंगे, कौन कौन से सप्लायर होंगे, पेमेंट, ट्रांजेक्शन्स, डिलीवरी डेट, ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर्स किस तरीके से, POP ऑर्डर सेंड करने हैं, तो उनसे रिलेटिंग डिसीजंस रिलेटिंग टू द सप्लायर प्राइस डिलीवरी लाई इन द परचेजिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। एज वेल एज अगर हम परचेजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो डिसीजंस रिलेटिंग टू द क्वांटिटी रिक्वायरमेंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज आर जनरली मेड बाय द मटेरियल डिपार्टमेंट ऑफ कंसल्टेशन विद द प्रोडक्शन मैनेजर। तो प्रोडक्शन मैनेजर के साथ कंसल्ट करके इन सब चीज़ों के लिए डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो परचेजिंग भी क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। उसके बाद है प्लांट इंजीनियरिंग। प्लांट इंजीनियरिंग हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग द प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। यानी कि जो भी मशीन्स इंस्टॉल हैं, इक्विपमेंट इंस्टॉल हैं, उनकी मेंटेनेंस, उनकी डे टू डे, मतलब कि उनकी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, ताकि जो भी इक्विपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव तरीके से काम करें। तो वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट इंजीनियरिंग हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग द प्लांट इक्विपमेंट एंड सर्विस इंक्लूडिंग लाइट, हीट, पावर, और साथ के साथ हम लाइट, हीट और पावर पे भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोई नई मशीन इंस्टॉल की है तो हमें ये भी ध्यान देना है, तो उसके लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड है, कितनी वोल्टेज उसके लिए रिक्वायर्ड है, प्रॉपर वहाँ पे रिटर्न रूल्स, रिटर्न में रूल्स एंड रेगुलेशन प्लेस होने चाहिए, ताकि उसको प्रॉपरली रीड करके उसको रन किया जा सके, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मटेरियल इनटू आउटपुट, यानी कि जो भी हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हैं, जहां हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग, ओके। सो इट इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मटेरियल इनटू आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्लांट इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, परचेज परफॉर्म द स्टाफ फंक्शन ऑफ रेंडरिंग सर्विस एंड एडवाइस टू मैन्युफैक्चरिंग। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट
नेक्स्ट वन फंक्शन है मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज मेथड एनालिसिस. देयर मे बी सो मैनी अल्टरनेटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर अ प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके अपने जो भी हमारा प्रोडक्शन है, जो भी ऑर्डर है, उसको कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो जब भी अगर हम मेथड की बात करें तो मेथड कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं क्वालिटी से भी. किस क्वालिटी के गुड्स को प्रोड्यूस करना है, ओके, क्योंकि सारे जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं इक्वली वर्क नहीं करते हैं. सम मे बी मोर इकोनॉमिकल देन अदर्स. यहाँ पे हमें कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है. द प्रोडक्शन मैनेजर मस्ट स्टडी द वेरियस अल्टरनेटिव एंड एनालाइज देम इनटू द राइट पर्सपेक्टिव. ये इस तरीके से ध्यान दिया जाता है कि भाई अगर हम ये एक पर्टिकुलर मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें कितनी कॉस्ट बेयर होने वाली है. ठीक है, कितनी उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करके फाइनली फिर उसको हम प्रॉपरली उसके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग करते हैं. तो इस तरीके से दिस एक्टिविटी ऑफ चूजिंग बेस्ट अल्टरनेटिव इज कॉल्ड मेथड एनालिसिस. मेथड एनालिसिस इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी टू कंसर्न द मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट मेथड एनालिसिस. उसके बाद नेक्स्ट वन है इन्वेंट्री कंट्रोल. प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैनेजर इज सपोज टू हैव कंट्रोल ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग वेस्ट ऑफ मैन एंड मटेरियल. ठीक है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है कि भाई जो भी रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, इन्वेंट्री कंट्रोल में हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स की जो कि स्टोर रूम में अवेलेबल है. तो ये भी ध्यान में रखा जाता है कि भाई कितना रॉ मटेरियल चाहिए और उसके हिसाब से कितना हमारे पास स्टॉक में है, वेंडर से कितना मंगवाना है, उसकी डिलीवरी डेट क्या है. So all these matter related to inventory control and it is the responsibility of production manager to control over the cost of production by reducing the wastage of man and material. जो भी inventory यानी कि जो भी resource हम use कर रहे हैं उसको हमें optimum और effective utilization करना है ताकि उसका waste ना हो और उसका effect हमारी cost पे ना पड़े. So he has to make the best use of material. He has to determine the economic lot size, economic order quantity, record levels, minimum, maximum and danger level of the stock material so that the problem of over and under stock of material may not arise. ठीक है, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि भाई ओवर स्टॉक हो गया है या फिर ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि स्टॉक क्या हो गया है, मिनिमम हो गया है, यानी कि एट द टाइम ऑफ द रिक्वायरमेंट स्टोर रूम में मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है. तो इस तरीके के प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए. सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग. प्लांट लेआउट इज एन अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट. मशीन्स और इक्विपमेंट को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि उसका जो भी सिक्वेंस है वो प्रॉपरली कंटिन्यू रहे, वो मेंटेन रहे. ठीक है, देखा अगर हम बात करें जैसे कोई लैकर डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे मशीन्स को इस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है ताकि जब भी वहाँ पे प्रोडक्शन किया यानी कुछ किसी कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस किया जाए तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोसीड होती रही. ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. प्लांट लेआउट इज एन अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट इन सच अ मैनर सो एज टू मेंटेन द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इफेक्टिवली. After that, next one है work measurement. One of the main responsibility of the production manager is control and reduce the labor cost per unit. Different level of production, labor cost per unit differ. Here, work measurement is necessary. ठीक है, so these all are function of production management. Thank you very much.